वेलकम टू माय चैनल बैंक निफ्टी लवर्स। माय फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी लवर्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, जो कि आप इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इनों तीनों ट्रेडिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये केवल एक बाइंग स्ट्रेटेजी होगी जो कि आपको सिर्फ बाय करने के संकेत देगी। तो इसमें हम चार इंडिकेटर्स का प्रयोग करेंगे। एक्चुअली ये दो ही इंडिकेटर हैं, पर इसको चार मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। देखिए, ये हमारा इन्फोसिस का चार्ट है दोस्तों, टाइम फ्रेम डेली का है। अब हमें इसमें पहले जो है, पहला इंडिकेटर हमें जो लगाना है वो होगा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आपने सुना ही होगा दोस्तों। फिर दोबारा हमने सुपर ट्रेंड लगाना है, और फिर तीन बार हमें सुपर ट्रेंड लगाना है। तीन सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे। हो सकता है आपने इस तरह की वीडियो देखी होगी पहले, यूजिंग थ्री सुपर ट्रेंड ट्रेड करने की वीडियो देखी होंगी। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे बंद मत कर देना, आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको भी देख लें। और फिर आपको अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप मत यूज़ करना, ये आपके ऊपर है, निर्भर दोस्तों। तो ये तो तीन इंडिकेटर हम प्लॉट कर दिए हैं, और हमारा जो चौथा इंडिकेटर होगा वो होगा मूविंग एवरेज दोस्तों। तो मूविंग एवरेज जो होगा, सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि डिफ़ॉल्ट भी यहाँ 9 दिखा रहा है। अब मैं इनकी सेटिंग्स चेंज करूँगा। देखिए, पहला जो सुपर ट्रेंड है वो 10.3 डिफॉल्ट वैल्यू दिखा रहा है, इसको मैं चेंज कर दूंगा दोस्तों 9, और इसका जो फैक्टर है इसको कर दिया, मल्टीप्लायर जो बोलते हैं उसको कर दूंगा 1। ठीक है दोस्तों, कलर मैं इसका ग्रीन और रेड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ग्रीन और रेड हमारा फर्स्ट जो है इंडिकेटर हमने लगा दिया है। अब दूसरा जो सुपर ट्रेंड होगा उसकी सेटिंग अलग होगी दोस्तों। सेटिंग में हम इसको करेंगे 26, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 26, और इसका मल्टीप्लायर या फैक्टर जिसको बोलते हैं वो होगा 1। ठीक है, पहले वाले में 9.1 था, इसमें 26.1 होगा। तो इसका हम कलर कर देते हैं, एक ऊपर वाले का ब्लू और नीचे वाले का हम पिंक कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा नज़र आए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो इसको ओके कर देते हैं। अब जो है हमारा जो तीसरा सुपर ट्रेंड होगा, तीसरा सुपर ट्रेंड की सेटिंग होगी 52.1। क्या होगी? 52.1। तो पहले में 9.1, दूसरे में 26.1, और तीसरे में 52.1। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 52.1 लगा दिया। इसका भी मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ जैसे कि ग्रीन की जगह पे मैं ये ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ऑरेंज यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, या ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा दूसरा कलर ले देते हैं, ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो मूविंग एवरेज होगा वो सिंपल मूविंग एवरेज होगा, जो डिफॉल्ट 9 की जगह हम उसको कर देंगे 200 पीरियड की मूविंग एवरेज होगी, जो कि मैं रेड कलर की कर देता हूँ, ये आपको दिख रही होगी। अभी इसको मैं क्या करूँगा, छोटा करूँगा ताकि ये पूरा दिखाई दे पूरे चार्ट पे। जब मैं छोटा करूँगा तब ये पूरा आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इस स्ट्रेटेजी का सबसे पहला क्राइटेरिया है बाइंग। हम बाइंग तब करेंगे जब कोई भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो, जैसे कि यहाँ से 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर गया स्टॉक, और उसके बाद ही हम बाइंग करेंगे। और जो दूसरी कंडीशन है, जब तीनों सुपर ट्रेंड यानी कि 9.1,
26:1 और 52:1 ये हमको बाय इंडिकेशन देंगे, उस समय ही हम उस स्टॉक में एंट्री करेंगे बाइंग के लिए। तो पहली कंडीशन होगी जो हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है डे का वो 200 पीरियड के ऊपर होना चाहिए, इस तरह से जैसे ये ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये भी शायद ऊपर दिया है, चलो इसको मान लेते हैं इसके ऊपर दिया हो, सुपर ट्रेंड हमारा, तीनों सुपर ट्रेंड जो हैं वो हमें बाई का इंडिकेशन दे, यानी कि सुपर ट्रेंड की लाइन, ये जो ग्रीन ब्लू ये वाली लाइनें हैं ये सब जो है प्राइस के नीचे हो, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पे इसके नीचे, तो ये बाई इंडिकेशन होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ सुपर ट्रेंड ने तो पहले ही दे दिया था लेकिन 200 पीरियड ने बाद में दिया, तो इसके हाई पे हम बाई करते हैं, जैसे कि इसका हाई था 751.60, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 751.60, और ये इसने हाई कितना मारा है लगभग 986, आप देख सकते हैं यहाँ पे 986.45, तो कहाँ से कहाँ गया देखिए, 51 से लेके 986, तो अबाउट 236 पॉइंट्स, ये कितना था 751 और 986, तो 230 पॉइंट्स आपको देके गया कुछ ही दिनों में, देखिए तो यानी कि इसका हम अगर 700 है तो 70 का 10% होता है, तो 30% की रिटर्न आपको देके गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे फिर आपने एग्जिट कर जाना था, जैसे ही सुपर ट्रेंड चेंज हो गया यहाँ पे आपने एग्जिट किया, फिर दोबारा यहाँ पे आपको मिला बाई करने के लिए, आपने बाई किया देखिए, फिर यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, इस तरह से आपको इसमें सिग्नल्स मिलेंगे, तो आप बाई कीजिए। कब बाई करना है, 200 मूविंग पीरियड के ऊपर, और मतलब प्राइस, क्लोज प्राइस शुड बी अबाउ 200 पीरियड मूविंग एवरेज, और प्राइस क्लोज शुड बी अबाउ ऑल थ्री सुपर ट्रेंड, तीनों सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस होना चाहिए। अगर आपको पोजीशंस कैरी करनी है तो आप इसके जैसे यहाँ पे ये आपको सिग्नल मिला था, इसके लो पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और कैरी करते रहिए इसको, देखिए यहाँ पे अगर कैरी किए होते तो 751 था, तो ये देखो प्राइस कहीं भी नीचे नहीं आया, देखिए ऊपर ही ऊपर चल रहा है, मैक्सिमम देखिए 1392, 751, नियरली 90% का रिटर्न दे दिया सर आपको। तो अगर आप इंट्राडे में 1% मिले अगले दिन, जैसे यहाँ पे आपने बाई किया था, जब भी इसका हाई टूटा, हाई इस कैंडल ने तोड़ा, अगर 1% मिला इंट्राडे में आप निकल जाइए। अगर आपको पोजीशन बना के रखनी है तो इसके लो पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए इस सिग्नल कैंडल के, और इसको कैरी करते रहिए, और आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ट्रेल कर सकते हैं, तो आपको फायदा होगा। तो ये स्ट्रेटेजी है, तो तीन सुपर ट्रेंड होंगे, 9:1 की सेटिंग, 26:1 की और 52:1 की, ये तीनों नंबर जो हैं इचिमुकु के नंबर हैं दोस्तों, इसलिए खास करके मैंने इस पे लिया है, ये मेरे पसंदीदा नंबर हैं और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और साथ साथ में हमने 200 पीरियड की मूविंग एवरेज ले ली है जो कि बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। तो बुलिश सिग्नल हो या बेरिश सिग्नल हो, ये इसके नीचे जब प्राइस जाता है तो स्टॉक बेरिश हो जाता है, और जब ऊपर जाता है तो बुलिश हो जाता है, और सुपर ट्रेंड तो आपको पता ही है कि ट्रेंडिंग ट्रेंड दिखाता है, और ये केवल इसमें एक ड्रॉबैक है दोस्तों, अगर साइडवेज हो जाए मार्केट तब ये मतलब इंट्राडे में खास करके छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करता, बहुत सारे आपको ऊपर नीचे सिग्नल देगा, लेकिन हम यहाँ पे डे टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए इसमें भी ये मल्टीपल सिग्नल्स की गुंजाइश कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे रेड सिग्नल मिला, लेकिन मैंने आपको बताया जब तक इसके लो के नीचे स्टॉक नहीं आता, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा है, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, या नहीं भी लगाएंगे तो ये पकड़ के रखिए बस, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ऊपर गया। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी है, थ्री सुपर ट्रेंड विद वन सिंपल मूविंग एवरेज 200 पीरियड, और इसको दोस्तों मैंने बैकटेस्ट किया है, मैंने एक स्कैनर बना रखा है,
तो स्कैनर, जिन लोगों को स्कैनर चाहिए होगा उनको मेरे अंडर अपस्टॉक्स में एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, और जो लोग मेरे अंडर डीमेट अकाउंट खोलेंगे उनको ही मैं ये स्कैनर दूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझा दी है, तो अगर आप खुद चार्टिंग पे स्कैनर बना सकते हैं तो आप बनाइए और स्टॉक्स स्कैन कीजिए, और आपको बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, जो कि मैंने विद प्रूफ आपको बता रहा हूँ। ये बैक टेस्ट किया हुआ है, 8 महीने का बैक टेस्ट है, जिसमें कि बहुत अच्छे इंडिकेशन मिले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और डेफिनेटली डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो मैं अभी अपस्टॉक्स के साथ एज ए वर्किंग पार्टनर काम कर रहा हूँ, तो जिन लोगों को ये स्कैनर चाहिए, 3 सुपर ट्रेंड विद मूविंग एवरेज बुलिश स्टॉक फाइंड करने के लिए, वो कृपया मेरे अंडर अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोलने की जो लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप लोग मेरे अंडर अकाउंट खोलोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि किस 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 ने मेरे अंडर अकाउंट खोला है, और मैं उनको स्कैनर की लिंक उनके ईमेल आईडी पे भेज दूंगा, और आराम से आप इसका इस्तेमाल कीजिए और प्रॉफिट कमाइए। वो अकाउंट खोलने के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री अकाउंट है, 1 महीने का या 300 रुपये का ब्रोकरेज हाल फिलहाल आपको फ्री है, और डिस्काउंट ब्रोकर है, अच्छा ब्रोकर है। तो अकाउंट खोलिए और ये स्कैनर फ्री पाइए, और बैक टेस्ट दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये देखिए मैंने एक्सेल शीट बना रखी है, ये देखिए 16/6/2020 से ये स्टॉक्स स्कैन हुए थे, ये देख सकते हैं आप। देखिए बाई किया था 672 पे, सेल किया 689 पे, यहाँ पे 2.5 का अगले दिन ही हमने सेल कर दिया था, देखिए 16 को, ठीक है। तो ये आपको 2.5 का, इसी तरह ये सारे स्टॉक्स हैं, आप देख सकते हैं ये टोटल कितना परसेंटेज आपको मिला है। तो ये आप देख सकते हैं जो ये ग्रीन में है दोस्तों, ये होल्ड होल्ड किया है लंबे समय के लिए, तो यानी कि ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इन स्टॉक्स में आपको 56% अभी तक आपको रिटर्न मिला है, 49% मिला है। ये जो रेड है इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि मैंने 1% का इंट्राडे का माना है, इंट्राडे 1% का गेन, तो ये जहाँ पे इंट्राडे लिखा हुआ है 1111 जो है ये आपका प्रॉफिट है, 1% यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप देखेंगे तो देखिए ये ग्रीन वाले हैं जिनमें बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, ये देखिए अदानी इंटरप्राइजेज में 194% का रिटर्न मिला है 8 महीने के अंदर, 58% का एशियन पेंट में, 57% का टेक महिंद्रा में, ये दो रेड में आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये जो ग्रीन कलर पे आप फोकस कीजिएगा, ये देखिए 85% अपोलो टायर में, जी अल्ट्राटेक सीमेंट में 47, अदानी पोर्ट में 63, टाटा स्टील में 96, HDFC में 39%, ठीक है दोस्तों। ये कब लिया है आप देख सकते हैं, 39, और कब बेचा है ये देखिए, 30 सितंबर को खरीदा और 19/1 को बेचा। इसमें भी देखिए प्रिटी लाइट में 25% का मुनाफा हुआ है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी 54%, DLF में 75%, एक्साइड इंडस्ट्रीज में 27%, और बाटा इंडिया में 21%, HDFC AMC में 30%। तो अगर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम रिटर्न्स है, मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है, मतलब आपको इतना मिल सकता था अगर आप मैक्सिमम पे जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में किसी को मैक्सिमम भी नहीं, किसी को पता नहीं होता है कि ये हाई हो गया अब इसके बाद स्टॉक गिरेगा, लेकिन एक आम तौर पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना मैक्सिमम बन सकता था। तो 1,232 गुना आपका कैपिटल बन जाता अगर आप मैक्सिमम में सेल करते हैं। तो मैंने क्या किया, चलो 1,232 तो ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसका 1/10 भी हम करते हैं तो 1,023 गुना आपका, मतलब 123% आपका रिटर्न हो जाता, मतलब आपका नियरली डबल हो जाता, आपका जो कैपिटल है 1.23 गुना हो जाता, मल्टीपल हो जाता। जैसे 50,000 है तो आपका 50,000 को
1.23 से मल्टीप्लाई किया, इतना ही आपका प्रॉफिट हुआ और प्लस उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये आपका इतना टाइम आपका कैपिटल मल्टीप्लाई हो जाता, इतना परसेंटेज आपका बढ़ जाता। तो ये देखिए, ये कुल इसमें 60 ये है, ये वन यहाँ हमारा डेट वगैरह आया है वन नंबर वन कॉलम पे, तो 59 ट्रेड है। ये देखिए यहाँ से दो नंबर से शुरू हुआ है, 60 नंबर तक हमारा स्टॉक्स दिखा रहा, तो 59 में से हमें 51 टाइम्स हमें विन मिला है, मतलब 51 टाइम्स हमने हमारा 1% हमें मिला है इंट्राडे में, यानी कि 59 में 51 टाइम्स, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है और नियरली 90% इसका एक्यूरेसी है। और अगर मैं ये कहता, जैसे लॉन्ग टर्म में ये 17 स्टॉक्स में हमें 20% से ज़्यादा मिला है, जो ग्रीन में दिख रहे हैं आपको, आप मैं धीरे से स्क्रॉल करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया, 20-25 तक, अब 25 से मैं आपको आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब आप देख सकते हैं 25 कहाँ गया, ये देखिए ये दूसरा फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आप आराम से देखिएगा, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये लास्ट का है, तो 59 ट्रेड्स में 51 हमारा हमने इसमें प्रॉफिट कमाया। तो मैं ये कह रहा था, अगर होल्ड करते हैं तो ये 17 बार, 59 में 17 बार हमें 20% से ज़्यादा रिटर्न मिला है। तो अगर हमारा रिस्क टू रिवार्ड 20:5 होता, मतलब 5% कोई भी स्टॉक बाई किया तो 5% लॉस पे हम उसको, स्टॉप लॉस हमारा 5% का होता और टारगेट हमारा 20% का होता, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लॉस जो होता, देखिए 59 माइनस 17 तो 42, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 210% हमारा लॉस होता, और 17 ये देख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाय 20% हमारा गेन होता, 340% हमारा प्रॉफिट होता, तो इसको माइनस करेंगे तो 130% हमारा गेन होता, ये यानी कि हमारा जो प्रॉफिट होता 1.3 टाइम्स द कैपिटल होता, यानी कि 50,000 का 1.3, तो इतना बेहतरीन, अगर आप पोजिशनल में भी जाते तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता। तो एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अमर राजा बैटरीज है, तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, 16 तारीख को इसमें मिला था, ये देखिए ये 16 तारीख है, ये स्कैंडल को देखिए और यहाँ पे ऊपर डेट देखिए, सॉरी ये देख सकते हैं आप कहाँ गया, सॉरी दोस्तों, ये है 16 तारीख, ये वाला, ये यहाँ पे देखिए डेट, यहाँ पे देखिएगा, तो 16 तारीख का हाई देख सकते हैं आप, 672, यहाँ पे देखना हाई 672, ये हाई मारा, और नेक्स्ट ही अगले दिन हमने इसको 672 के हाई पे बाई किया, तो ये 689.35 यहाँ पे देखिएगा, 689.35 पे इसका हमारा हाई मिला, सॉरी हाँ ये है, गलत दिखा रहा हूँ मैं सर, माफ करना दोस्तों, ये वाला देखिए 672 हाई देख सकते हैं आप ऊपर, और इसमें है 689.35, ये आप देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ 672 और 689.35, तो हमारा 2.58 का प्रॉफिट हुआ। हमें 1% चाहिए इंट्राडे में, केवल हमें 1% चाहिए, तो 1% अपना बुक करें, लेकिन बाई तभी करना है जब इसका जो जहाँ पे हमें इंडिकेशन मिलेगा उसका हाई ब्रेक करे, मतलब ये 16 तारीख का हाई ब्रेक करने पर ही बाई करना है, मतलब 672 ब्रेक होगा तभी आपने बाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि दूसरा दिन वो हाई ब्रेक नहीं होता, तीसरा या चौथा दिन हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन सुपर ट्रेंड और 200 के ऊपर होना चाहिए प्राइस, और साथ ही साथ अगर ज़्यादा दिन ले लेता है ब्रेक होने में तब उसको छोड़ दीजिए, दो चार दिन में हो जाता है तो अच्छी बात है। तो
तो ये थी दोस्तों थ्री सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी। तो इसी तरह आप इसको सेल में भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी दोस्तों ये वाला चार्ट दिखा देते हैं। जैसे अगर नीचे गया, देखिए यहाँ पे देखिए, जब भी ये प्राइस नीचे गया, सुपर ट्रेंड ने नीचे बताया, ठीक है, इसका लो टूटा, इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना था इसका लो 738.95 और मैक्सिमम लो देखिए कितना बनाया 509। तो आप देख सकते हैं 200 पॉइंट नीचे गया, इतना बेहतरीन है। तो आप अपना मतलब आपको बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा। अगर आप छोटा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट के लिए ध्यान रखिएगा आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा, ताकि आपने जो इतना कमाया है, जैसे कि यहाँ तक आप वेट किए और फिर ये स्टॉक ऊपर चला गया, देखिए यहाँ पे फिर दोबारा आ गया, तो फायदा नहीं है। तो इसलिए अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, और हो सकता है तो जैसे यहाँ पे देखिए 729 इसका लो था और यहाँ पे 509, 200 पॉइंट आपको मिल गया, तो 200 पॉइंट नियरली आपको 30% मिल गया, तो और क्या चाहिए दोस्तों, ये मतलब आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आप एग्जिट हो जाइए, या 60% 70% 75% एग्जिट हो जाइए, इस तरह से भी कर सकते हैं, पार्शियली एग्जिट हो जाए, ताकि आपको कुछ ना कुछ मिले, आपके जेब से ना जाए, ठीक है। तो ये सेल में भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जिन लोगों को स्कैनर चाहिए होगा वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए और अकाउंट खोलिए, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में घंटी वाला जो आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में मेरी जो भी वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, इस अपना ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, और जल्दी ही मिलूँगा अपनी अगली वीडियो लेकर, जो और अच्छी, बेहतरीन और उपयोगी साबित होगी आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।